आजकल के जेनरेशन में कुछ कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि ये करियर मेरे लिए सही है क्या ये कंपनी मेरे लिए सही है क्या जो मैं करने जा रहा हूँ मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर uh. कुछ और करने जा रहा हूँ ये uh -huh. मेरे लिए सही है कि नहीं बिकॉज दिस इज वेयर पीपल नीड दैट गाइडेंस दे अंडरस्टैंड द पॉजिटिव द नेगेटिव द न्यूट्रल एस्पेक्ट ऑफ दैट एंटायर थिंग वो लोग ने ऑलरेडी वो सब रिसर्च कर चुके होते हैं बट hmm. वो लोग को किसी और से सुनना होता है कि

हमें अतारों में दिख रहा है कि ए जॉब बेटर रहेगी बी जॉब से बट अगर सपोज किसी का मन ही ए जॉब करने का है तो वो बी जॉब में नहीं जानता लेकिन हम उनको ये समझाते हैं कि भाई इसके अंदर आपको ये ये बेनिफिट्स है ए जॉब में आपको मिलेगा सक्सेस मिलेगी बट स्ट्रगल के बाद बहुत हुँ. और कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं हम स्ट्रगल करने को रेडी है वो पहले बोल देते हैं लेकिन जब वो एक्चुअली में स्ट्रगल आती है ना तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कमिटमेंट के टाइम तो, पे हाँ, वो लोग तो एक क्लैरिटी हम दे देते कि ठीक है डिसीजन एंड आपका ही होगा लेकिन हुँ. हमने ये बता दिया कि ए जॉब में आपको ये ये प्रॉब्लम होगी बी जॉब में ये ये रहेगा तो आप पहुंचना आपको और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जॉब आपको मंथ की सिक्सटी थाउजेंड दे रही है दूसरे वन लाख दे रही है लेकिन वन लाख वाली आपकी जान खा के बैठी हुई है मतलब आपके उठने बैठने सोने कुछ करने का टाइम नहीं, नहीं है पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो अब आप वो आपकी मैं सिक्सटी थाउजेंड वाली जॉब में जाऊंगी मैं वन लाख में नहीं जाऊंगी मुझे पीस ऑफ माइंड मेरा बहुत जरूरी है लेकिन मैं सामने वाले को ये नहीं कह सकती मैं उन्हें नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है मैंने उन्हें ऑप्शंस दिए it's basically their me. choice yeah huh. you will you'll will present both a and b but huh. ultimately the decision is theirs huh. to take nice okay that that's a good way to first of all clarify that you would not take the decision for them but you would rather present it but the decision is for them to take and it is for their destiny is in their hands basically hmm. perfect